चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो याद रखिए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को विस्तार से बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, उपराष्ट्रपति का अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, नवी अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसे पहले भी देख चुके हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अगला है, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरोध दर्ज शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। अगला है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19 में। अगला है, भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? धारा 30A। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? 50 सदस्यों की। अगला है, संपत्ति का अधिकार अब तक किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? फिर धर्म या भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की अनुसूची से निकाल दिया गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। अगला है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई? राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में। अगला क्वेश्चन है, भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। अगला, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में कितने दिन सत्ता में रहा? 13 दिन। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष।
अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार की नियुक्त नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला है लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल को पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला है उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। अगला है भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार को। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? भारत का महान्यायवादी। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो यह लोक लेखा समिति से। अगला है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? संसद की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? 1962 में। अगला राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय। अगला है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितनी समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। अगला है प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। अगला है लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के। अगला है संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14। 12 हो सकते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 2। अगला है यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित ना हो तो लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। अगला है किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। अगला है आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? 6 माह के लिए। अगला है राज्य सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? केशवानंद भारती बांध। अगला है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया? तो है हम भारत के लोग को। अगला 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 51 राष्ट्रों ने। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? अनुच्छेद 352। अगला है भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग को। अगला है संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। अगला है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बढ़े थे? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति लागू करने का। अगला है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान तदर्थ
न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 1951 में, याद रखिए, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोक संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष को अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।